गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल चाल है बेटा? सब बच्चों के ठीक है? सब बच्चे? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद टॉपिक, नया एक और टॉपिक आसान सा शुरू करेंगे यहाँ पर, और टॉपिक का नाम है बेटा ये लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेटा आज की चर्चा हम इस टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिडम्पशन? सुनिए बेटा, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो बेटा दोबारा से वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कोई भी खास दिक्कत परेशानी इस टॉपिक में आएगी नहीं। आज की पूरी क्लास हमारी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में लग जाएगी। उसके बाद विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, अब बताइए सर फटाफट से, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? समझिए बेटा, मैं आपसे फंड्स रेज करना चाहता हूं, मैं यानी कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है, कंपनी को फंड्स की आवश्यकता है। तरीके दो, या तो कंपनी कैन इशू शेयर्स या कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स। भाई शेयर्स के माध्यम से या तो पैसा रेज कर पाएंगे या डिबेंचर्स के माध्यम से भी पैसा रेज कर सकते हैं। अब अगर आपने शेयर्स रेज किए तो शेयर भी दो प्रकार के, इट कैन बी इक्विटी शेयर्स और इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर। बेटा जरा झटपट से बता देना क्या फर्क होता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में। बोलो बेटा बोलो। हाँ, इक्विटी का मतलब वो विच आर द ओनर्स और प्रेफरेंस का मतलब भी वो जो ओनर्स हैं। तो बेटा फर्क क्या हुआ? सुनो बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज, दोनों ही मालिक हैं, बट दे आर दोज विच आर गिवेन प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। जिनको हम प्रायोरिटी देंगे बेटा, किस चीज में प्रायोरिटी दोगे? प्रायोरिटी देंगे एज रिगार्ड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड। भाई मेरे को मुनाफे बांटने हैं शेयर होल्डर्स में। अब जब मुनाफे बांटने हैं शेयर होल्डर्स में तो पहले किसका पेट भरेंगे? सर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेट भरेंगे। जब इनका पेट भर जाएगा तो इक्विटी वालों की बारी आएगी। सिमिलरली इन्हें प्रायोरिटी मिलेगी एज रिगार्ड्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होगी तो बेटा सबका पैसा लौटाओगे ना। ये देखो बेटा, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी ने घोषणा कर दी कि हम बंद कर रहे हैं। लो बेटा, देख रहे हो बेटा, लोगों की लाइन लग गई यहाँ पर, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। तो जानते हो यहाँ पर बड़े सारे लोग खड़े होंगे, क्रेडिटर्स, आउटसाइड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, और सबसे अंत में कौन होगा? इक्विटी शेयर। इससे पहले कौन होंगे? प्रेफरेंस शेयर। ये सब कौन सा सीक्वेंस है इसकी बात तो करेंगे बाद में, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, कंपनी हो गई बेटा क्लोज, सबका पैसा लौटा रहे हो तो इक्विटी का बाद में लौटाएंगे, पहले प्रेफरेंस वालों का पेट भरेंगे। जब इनका पेट भर जाएगा तो बेटा इक्विटी वालों की बारी आएगी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं
जिनको मुनाफा बांटते वक्त प्रायोरिटी मिलेगी, किसके कंपैरिजन में प्रायोरिटी मिलेगी? डिबेंचर होल्डर्स के? ना बेटा ना, प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। जब पैसा लौटा रहे होंगे कंपनी बंद होने के वक्त, तो भी इन्हें प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर। पहले ये जाएंगे पैसा लेने, जब इनका रीपेमेंट पूरा हो जाएगा तो इक्विटी वाले जाएंगे पैसा लेने। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन, बोलो बेटा बोलो, बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है सर, तो ये तो बात हो गई कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, प्रेफरेंस शेयर्स की। पैसा ही रेज करने का एक तरीका है, फर्क ये ओनर्स होते हैं, ये लेंडर्स होते हैं। इन्हें मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन्हें मिलता है इंटरेस्ट। अब ये जो ओनर्स हैं, ये भी दो प्रकार के, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो बेटा प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो भी हमने कवर कर लिया। ये तो मैंने अभी थोड़ी सी आपको इस वर्ड की चर्चा की है, प्रेफरेंस शेयर। नाउ एक दूसरा वर्ड भी है बेटा, क्या है जरा बताना, रिडम्पशन। बेटा रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। मार्क माय वर्ड्स, आपने क्लास 12 में जो पढ़ा हुआ है दैट वाज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अलग चीज थी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अलग चीज है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सर वहां तो कुछ और था, ये आप कुछ और पढ़ा रहे हो? ना बेटा, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। आओ बेटा, तो अब बात आई रिडम्पशन रीपेमेंट, यानी कि मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रीपेमेंट करना पड़ेगा। ओहो, रीपेमेंट करना पड़ेगा? हाँ बेटा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। सुनिए, यानी कि आपने यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की 5 लाख रुपए की, लेते हैं भाई मुझे पैसे की आवश्यकता थी, मैंने 5 लाख रुपए आपसे ले लिया, बदले में प्रेफरेंस शेयर आपको दे दिए। साल दर साल मैं आपको मुनाफों में से हिस्सेदारी देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। और मैंने तय किया कि 5 साल बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। यानी बेटा क्या कर दूंगा मैं? यस, रिडम्पशन कर देंगे। मैंने जब पैसा मांगा था आपसे, आपने पूछा था पैसा लौटाओगे? सर कब लौटाओगे? मैंने जवाब दिया 5 साल बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। हाँ, 5 साल तक मैं आपको डिविडेंड देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, लेकिन 5 साल बाद आपकी कैपिटल भी लौटा दूंगा। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन। मैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन यानी रीपेमेंट कर दूंगा। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि आप कब करोगे रीपेमेंट, कब करोगे? जब मैं आपसे पैसा मांगने गया, बेटा आप यही सवाल तो पूछोगे, सर पैसा लौटाओगे तो कब लौटाओगे? मैंने कहा बेटा 5 साल बाद लौटाऊंगा। दूसरी बात, हाँ सर, मतलब आपको आज पैसा दे रहे हैं, आप रीपेमेंट पर कितना पैसा वापस करोगे? मैंने कहा बेटा 5 लाख रुपए आपने दिए, हर साल डिविडेंड दे रहा हूँ मैं, और 5 साल बाद मैं वापस कर दूंगा। सर वापस तो कर दोगे, ये तो बताओ कितना वापस करोगे? तो बेटा मेरे 3 जवाब। मैंने कहा बेटा या तो मैं
रिडम्पशन करूंगा एट पार, यानी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी मेड एट पार। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि बेटा 5 लाख मुझे आज दे दो, मैं 5 साल बाद आपके पूरे 5 लाख लौटा दूंगा। सर हमें क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। ना बेटा, हर साल मुनाफों में से हिस्सेदारी मिल तो रही है। नहीं सर ऐसे नहीं मजे आ रहे, कुछ और हमें अट्रैक्ट करने का प्रयास करो सर, हमें और लालच दो, तभी तो हम और पैसा लगाएंगे। लो बेटा, मैंने ये कह दिया आपसे, रिडम्पशन मैं कर दूंगा प्रीमियम पर, मैं 5,25,000 रुपए लौटा दूंगा। सर अब कुछ मजे आए सुनने में? बेटा 5 लाख मैंने आपको आज दिए, 5 लाख मैंने आपसे आज लिए और कह दिया 5 साल बाद लौटा दूंगा 5,25,000, यानी प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर मैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर दूंगा। या बेटा मैं ये भी बोल सकता हूँ, रिडम्पशन कैन बी मेड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट सर जरा हिंदी करके बताना क्या मतलब हुआ? बेटा इसका मतलब ये, मैंने ये कह डाला, मैंने कहा बेटा 5 लाख रुपया दे दो, 5 साल बाद 4.90 लौटा दूंगा। आपके हाथ में जो कुछ भी होगा ना, मेरे सिर में देके मारोगे सर, दिमाग खराब हो गया आपका, आपकी तो कलम चल गई। ऐसे थोड़ा ना होता है, 5 दिए और 4.90। ना सर भागो यहाँ से, कोई दूसरा घर देखो, हम ना देंगे पैसे। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। आज के बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, सुन लो ध्यान से। क्या कहा मैंने? प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं, इट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑल्सो, बट इट कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। ये प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पर रिडीम ना हो पाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई सर बात। ये सब लॉजिकल भी है सर, कॉमन सेंस है, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। कोई भी कम पैसा लेने पर क्यों राजी होगा? क्यों राजी होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो तो आज ही सवाल पूछेगा कि कब वापस करोगे। मैंने कहा 5 साल बाद। कितना वापस करोगे? पूरा कर दूंगा या एक्स्ट्रा कर दूंगा? कम बोलूंगा तो वो पैसा ही मेरे को ना देगा। तो थियोरेटिकली प्रैक्टिकली दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये बेटा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है सर, अब बताओ आगे। लो बेटा अब क्या करना है? बस ये हमें यही तो सीखना है इस चैप्टर में कि रिडम्पशन जब प्रेफरेंस शेयर का हम करेंगे तो उस टाइम पर क्या एंट्री करेंगे। इशू पर क्या करी थी उससे मुझे मतलब नहीं है इस टॉपिक में, वो अलग टॉपिक था। इशू ऑफ शेयर्स याद है ना कराया था? हाँ, वो एंट्री तो वहां सीखी हमने। अब हम रिडम्पशन करते वक्त क्या एंट्री होगी, आओ बेटा सीखते हैं। रिडम्पशन कैन बी मेड एट पार, जरा बताना झटपट से क्या एंट्री करोगे सर? एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख बीइंग रिडम्पशन मेड ड्यू। बेटा मैंने सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फोन कर डाला। मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जी 5 साल पूरे हो गए हैं, आके अपना पैसा ले लो, हमने वायदा किया था शायद आप भूल जाओ, लेकिन मैं ना भूला, अपने आकर कृपया करके 5 लाख रुपए वापस ले जाओ। लो बेटा ये एंट्री कर डाली। अब क्या होगा बताना? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दौड़े दौड़े आएंगे,
लाओ जी लाओ पैसे दे दो, 5 लाख रुपया दे दो और बेटा अपने चेक बना दोगे, एंट्री बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू बैंक, 5 लाख रुपए बीइंग पेमेंट मेड। बेटा कोई दिक्कत है क्या? बस यही तो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रीपेमेंट यानी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप यहां तक की बात ठीक हो। सर सर अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम पर करें तो क्या एंट्री करिएगा? अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हमें प्रीमियम पर करना है तो क्या एंट्री करेंगे? आओ बेटा फिर समझो, इस बार फिर से पहले फोन करने की एंट्री बताना बेटा क्या एंट्री होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 5,25,000 बीइंग रिडम्पशन मेड ड्यू। बेटा बताना फोन पर क्या बात हुई थी इस बार? इस बार मैंने कहा शेयर होल्डर जी, शेयर होल्डर जी घर में है क्या? जरा पैसे ले जाना अपने। हाँ हमने वायदा किया था आपसे 5 लाख रुपए वापस कर देंगे 5 साल बाद। और हाँ याद रखना प्रीमियम भी है, 25,000 फालतू देंगे यानी 5 लाख तो जो आपने हमें कैपिटल के दिए थे वो वापस ले जाना। प्रीमियम एक्स्ट्रा 25,000 मिलाकर 5,25 ले जाना। बेटा ये प्रीमियम, whether this premium is an expense or income for the company, बेटा कंपनी के लिए ये खर्चा है या कमाई है? सर प्रीमियम तो कमाई होती है सर, कमाई 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 कमाई। बेटा कैसी बात करते हो, इस बार प्रीमियम देना पड़ रहा है। So that is clearly an expense for the company and income for the shareholder. 5 लाख लिए थे, देखो दर्द देखो बेटा मेरा, मेरा दर्द महसूस करो ना। 5 लाख लिए थे, 5,25 वापिस करने पड़ रहे, 25,000 खर्चा हो गया। आओ देखो बेटा मेरे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट 5,25,000 टू बैंक, 5,25,000 बीइंग पेमेंट मेड। बेटा ये बात ठीक है इतनी? हाँ सर ये भी ठीक है। अब बेटा इस सब घटना में ये जो रिडम्पशन इस बार किया, इस रिडम्पशन को करने के चक्कर में मेरा घाटा हो गया। बेटा इस घाटे को राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक तीसरी एडिशनल एंट्री और होगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000 राइट ऑफ करने के लिए। सर 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 ये प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? इट कैन बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस ना हो तो? बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट। सर जनरल रिजर्व में भी कम पड़ जाए तो? पीएनएल अकाउंट। सर पीएनएल में भी कम? नलायक चुप करो, तीन तीन ऑल्टरनेटिव दे दिए कंपनीज एक्ट ने का, नहीं बस बतेरा है ये तीन। अब अपने आप ध्यान रखो, कुछ और होगा तो मैं आपको रेलिवेंट क्वेश्चन में जाकर खुद बता डालूंगा। आई होप यहां तक की बात ठीक है। तो बेटा रिडम्पशन कैन बी मेड एट पार और इट कैन बी मेड एट प्रीमियम ऑल्सो। तो सर इसका मतलब ये चैप्टर हो गया खत्म। हाँ खत्म ही हो जाता। देखो ना चैप्टर का नाम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के समय क्या होगा? लो बेटा
प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के समय ये एंट्री होंगी, या तो वो पार पे होगा या प्रीमियम पर होगा, डिस्काउंट पर हो नहीं सकता। तो सर जब उस चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बेटा नहीं, नहीं। अब समझो इसमें टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकल बात क्या है सर। सर पहले कहो तो ये लिखवा दो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लिख ले बेटा। चलो बेटा लिखो, फिर पहले इतनी बातें, फिर मैं आपको मेन कंटेंट पर आऊंगा। सर मेन कंटेंट तो ये मेन ना था। बेटा कैसी बात कर रहे हो, इतने बड़े हो गए क्या, ये एंट्रियां सिखाऊंगा मैं आपको? लो बेटा फिर भी लिख डालो, डालना हेडिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बेटा पीएस का मतलब रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स पीएस लिखो बेटा। पहला लिखिए इसमें रिडम्पशन करना है एट पार, तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीइंग रिडम्पशन मेड ड्यू, बीइंग रिडम्पशन मेड ड्यू, बीइंग रिडम्पशन मेड ड्यू। बेटा नोट कर लिया ना? अगला प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। दूसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। आओ बेटा आओ, प्रीमियम पर रिडम्पशन सीखते हैं। बेटा देखें कौन बच्चा पहले एंट्री बताएगा। सर मैं बताऊंगा मैं, बेटा बोलो ना फिर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेटा किसकी एंट्री है? बीइंग रिडम्पशन मेड ड्यू। दूसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, जो 5.25 दिलवाए थे मैंने, बीइंग पेमेंट मेड। और बेटा और बेटा और जल्दी बताओ, एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी, देखें कौन बच्चा बताएगा। दो बेटा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। बेटा जरा बताओ ये प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर पूरा ना पड़े या ये बैलेंस हो ही ना? बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर ये भी ना हो या कम हो तो? बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट। बेटा एंट्री बताओ नरेशन, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। बेटा झटपट से नोट करो, देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। सर हम कर लेंगे, पहले तो हम ही करके बताएंगे। बेटा बोलो मत ना, करो चुपचाप से, फटाफट से नोट करो, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। जल्दी करो बेटा, आसान है, कोई इसमें अभी टेक्निकल बात तो आई ही ना, अभी तो सिंपल सी एंट्रियां कर रहे हैं। रीपेमेंट की, रिडम्पशन ड्यू किया और रीपेमेंट कर दिया, रिडम्पशन ड्यू किया और रीपेमेंट कर दिया। लो बेटा अब सुनो इसके आगे की कहानी। लो बेटा प्रॉब्लम समझो, अब प्रॉब्लम कहाँ बेटा, ये बैलेंस शीट है राम लिमिटेड की,
अब राम लिमिटेड की बैलेंस शीट समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके अलावा क्रेडिटर्स लेट्स से 50,000 और बैंक लोन लेट्स से 1.5 लाख और यहां पर सन्ड्री एसेट्स मान लेते हैं 4 लाख। लो बेटा, सो दिस वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड। अब बेटा वायदे मुताबिक आज रिडम्पशन की तारीख आ गई जिस दिन मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन करना है। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन करना है। अब मैंने वायदे मुताबिक ये देखो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन कर डाला, 1 लाख खत्म हो गए, यहां से 1 लाख का कैश कम हो गया, ये बचा 3 लाख टोटल फिर से मैच हो गया भाई, यही तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, यानी यहां से कैपिटल उड़ जाएगी और यहां से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, 4 लाख की एसेट थी, 1 लाख का कैश कम हो गया तो 3 लाख का कैश बचा। बेटा जैसे ही मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट किया, जानते हो क्या हुआ? मैंने सुना बाहर से शोर की आवाज। बेटा कान लगाकर सुना मैंने, बाहर से आवाज आ रही है, कंपनी हाय हाय, राम लिमिटेड मुर्दाबाद, राम लिमिटेड मुर्दाबाद, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, कंपनी ने हमें लूट लिया, कंपनी धोखेबाज है, धोखाधड़ी हुई। मैंने झांक कर देखा, क्या पता गई, बेटा खिड़की से झांक कर देखो, बड़ी भीड़ लगी हुई है, पता नहीं कौन लोग है। मैं नीचे उतर कर गया, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, कंपनी मुर्दाबाद, कंपनी मुर्दाबाद, कंपनी ने धोखाधड़ी करी, मर जाएंगे, कट जाएंगे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कौन हो आप? एक ने कहा जी मेरा नाम क्रेडिटर, एक ने कहा मेरा नाम डिबेंचर होल्डर, एक ने कहा मेरा नाम बैंक लोन, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय। मैंने कहा सबर करो, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। बोला कंपनी हाय हाय, फिर वही बात, प्रॉब्लम तो बताओ। एक ने कहा जी आपने रिडम्पशन क्यों कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन क्यों कर दिया, अजी आपसे क्या लेना देना, मैंने इनसे वायदा किया हुआ था, इनका पैसा मैंने वायदे मुताबिक लौटा दिया, ना आपसे कुछ लेना ना आपसे कुछ देना, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, कंपनी मुर्दाबाद, कंपनी मुर्दा। मैं फिर शुरू हो गए, बात तो बताओ प्रॉब्लम क्या है। बोला जी नहीं होने देंगे। मैंने कौन सा आपसे पैसे मांग लिए, नहीं जी नहीं होने देंगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, मुझे दर्द बताओ अपना दर्द क्या है, तब तो मैं उसकी दवा ढूंढ सकता हूं, ऐसे शोर शराबा करोगे तो कुछ ना होगा उससे फायदा। बोला सर देखो हमने जो आपको उधार दिया था, हमने जो माल उधार बेचा था, वो ये सोचकर बेचा था कि आपके खुद के मालिकों के 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, हमने 50 दे भी दिए उधार माल या 1 लाख नकद उधारी दे दी तो हमें कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है, भाई ज्यादा पैसा मालिकों का है, अपने आप ही बढ़िया काम करेंगे, उनका ज्यादा इंटरेस्ट है और हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। लेकिन सर आपने मालिकों के पैसे तो करवा दिए वापस, अब लॉजिकली देखो तो ओनर्स के पैसे कम हैं और बाहर वालों के पैसे ज्यादा हैं,
रिडम्पशन करते ही डेट इक्विटी रेशो का जो मिक्स था वो बदल गया। हमने तो इस बेसिस पर उधार दिया था, सर मर जाएंगे, कट जाएंगे, यही तंबू लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, रिडम्पशन ना होने देंगे। तो ये दर्द है इनका, तो ये दर्द है इनका। अब समझ में आया मुझे, भाई देखो बात तो अगले ठीक कह रहे हैं, क्रेडिटर्स और बैंक वाले अगले बात तो ठीक कह रहे हैं। भाई वो ये कह रहे हैं कि हमने तो ये उधार जो दिया था ये कैपिटल स्ट्रक्चर को देखकर दिया था, अब वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया आपने, हमें तो सख्त एतराज है, हम ये रिडम्पशन ना होने देंगे। लेकिन बेटा अब मेरे दृष्टिकोण से सोचो, मैं यानी कंपनी, मैं तो फंस गया, मैंने तो वायदा कर रखा है अगर मैं रिडम्पशन नहीं करूंगा तो वायदा खिलाफी हो जाएगी, और रिडम्पशन कर दिया तो बगावत हो जाएगी। बेटा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको दर्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि दवा मैं तभी दे पाऊंगा अच्छे से जब आपको दर्द तो समझ में आए, मेरी पीड़ा तो समझ में आए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जब मैं जवाब बताऊंगा आपको वो आप अच्छे से पकड़ पाओगे अगर आप दर्द समझोगे तो। बस यही फर्क है बेटा मेरे में, आपको पता ही है मेरे बारे में कि जब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करूंगा, वरना 5 मिनट लिखते हैं, लो बेटा लिखो रिडम्पशन की एंट्रियां ये होती हैं, ऐसा करें तो ऐसा कर लेना, ये हो तो ऐसा कर लेना। ना बेटा ना, मुझे तो वो आता ही नहीं, ना मैं आपको सिखाऊंगा। लो बेटा सुनो, आप बेटा मैं पहुंच गया कंपनीज एक्ट के पास, मैंने कहा कंपनीज एक्ट जी मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं, मैं अगर पैसा वापस कर दूं तो इनकी नाराजगी, और अगर मैं पैसा वापस ना करूं तो इनसे वायदा खिलाफी, क्या करूं मैं। अब बेटा कंपनीज एक्ट ने मुझे सजेस्ट, बोला सर मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, आप उन्हें फॉलो कर लीजिए, आपकी बात बन जाएगी, ना कोई नाराज होगा ना किसी से वायदा खिलाफी होगी। मैंने कहा जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बड़ी पीड़ा हो रही है मेरे को। बोला सुनो आप एक काम करो, आप एक काम करिए, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करें तो जितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें उतने का ही फ्रेश इशू निकाल दीजिए, उतने के ही फ्रेश शेयर्स इशू कर दीजिए। मैंने कहा जी उससे क्या होगा। बोला सुनो ना, उससे ये होगा, अभी बताऊंगा अकाउंटिंग वगैरह बाद में, कॉन्सेप्ट समझो पहले। आपने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कम किए, बदले में 1 लाख की ही इक्विटी कैपिटल दोबारा से फ्रेश इशू कर दी, उससे क्या होगा। उससे ये होगा, इनका काम तो हो गया। हाँ सर इनका तो हो गया, अब जब ये तंबू गाड़ेंगे कंपनी के बाहर और हाय हाय के नारे लगा रहे होंगे, इनसे पूछना पहले कैपिटल कितनी थी, बोलेंगे 2 लाख, फिर पूछना अब कैपिटल कितनी है, बेटा मुंह लटकाकर वापस लौट जाएंगे। आपको समझ में आ रही है ना बात, मुंह लटकाकर वापस लौट जाएंगे, कोई बगावत का पॉइंट ही नहीं है। बोला हाँ सर ठीक है बिल्कुल, पहले भी 2 लाख थी अब भी 2 लाख है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बेटा समझ रहे हो, पहले भी 2 लाख थी अब भी 2 लाख है, क्लियर है बात के नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेश इशू, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स क्या है, इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। समझ में आ रहा है, पहले भी यही थी अब भी यही है, बेटा ये क्या है, इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट।
कैपिटल सेम रहनी चाहिए। फ्रेश इशू का यही तो ऑब्जेक्टिव था कि कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। मेरा बस ये उद्देश्य है, पैसे वैसे की बात कुछ नहीं करी मैंने, ध्यान रखना आप आगे भटकोगे, आप भटकोगे आगे। मैं बता रहा हूं कहीं मुझे ये चिंता तो है ही नहीं कि सर पैसे कहां से आएंगे, वो तो बैंक से आ जाएंगे, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, लोन हो जाएगा, छोड़ो सबको। कई बार बच्चों के जहन में आता है ओ सर इसलिए फ्रेश इशू किया है जिससे पैसे आ जाएं और उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दें। ना ना बेटा ना, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैंने चर्चा भी नहीं की। मैंने कहा बताओ फिर से मैंने फ्रेश शेयर्स क्यों इशू कराए, जल्दी बोलो मैंने फ्रेश शेयर्स क्यों इशू कराए आपसे, जिससे जो पहले कैपिटल थी वही कैपिटल अब भी रहे। बेटा क्लियर है बात, बोलो हजमत नलायक, बताओ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। हाँ सर ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेश इशू इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट सेम रहे। सर और भी कोई मेथड है? हाँ लो दूसरा मेथड लिखो बेटा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स दूसरा, ट्रांसफर टू CRR, ट्रांसफर टू CRR। हाँ बेटा इन मेथड्स की ही मैं वन बाय वन बाद में डिटेलिंग करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया सुनो। कंपनीज एक्ट ने कहा एक काम करना, मैंने कहा जी फ्रेश इशू करके क्या करूंगा, वैसे भतीरा पैसा है, मैं तो वापस कर रहा हूं लोगों के पैसे, आप कह रहे हो और शेयर इशू कर दो फिर नकद आ जाएगा, क्या करूंगा उस नकद का मैं। कंपनीज एक्ट ने कहा बोला एक काम करो फिर आप ना फ्रेश शेयर्स मत इशू करो, जितने की कैपिटल आपने कम की उतना ही अमाउंट CRR में। सर ये CRR क्या होता है? बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उतना ही अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कंपनी जैसे जी क्या बात कर रहे हो, ये बागी हो चुके हैं, मेरे बाल नोच लेंगे, कंपनी में आग लगा देंगे, समझाऊंगा कैसे। बोले वही बोलते हैं दोबारा से कि भाई कैपिटल पहले कितनी थी 2 लाख, अब कितनी? सर अब तो 1 ही लाख है। कंपनी जैक ने समझाया नहीं वत्स नहीं, सुनो ये जो CRR है ये वैसे तो रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में आएगा, लेकिन इट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, यानी आज नहीं तो कल ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नहीं जो कम समझ में आए जो दोबारा बताओ। लो बेटा फिर समझो, कंपनीज एक्ट ने कहा कि जितने की कैपिटल रिडीम करो उतने का ही या तो फ्रेश इशू निकाल देना। सर ये समझ में आ गया? अगला बताओ। बेटा बोलने दो ना नलायक, जितने की कैपिटल आपने रिडीम की उतने का फ्रेश इशू निकाल दो या उतना अमाउंट CRR में ट्रांसफर कर देना। हाँ ये CRR कैपिटल नहीं है, लेकिन ये कैपिटल जैसा है। सर कैपिटल जैसा कैसे हो गया? बेटा कैपिटल जैसा ऐसे हो गया, देखो क्योंकि ये कंपनीज एक्ट ने बोला कि ये आज नहीं तो कल सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर के लिए इशू हो सकता है, यानी अल्टीमेटली कैपिटल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फिर से आपने क्या करवा दिया,
फिर से जब आपने सीआरआर में ट्रांसफर कराया तो कोई पूछे पहले कैपिटल कितनी थी, मैं कहता 2 लाख। कोई पूछे अब कैपिटल कितनी, तो मैं फिर से कहूंगा 2 लाख। बेटा कितनी? 2 लाख। 1 लाख की कैपिटल और 1 लाख की कैपिटल जैसी। दूसरी चीज जिसका नाम सीआर, कोई आपसे सवाल पूछ ले, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू सीआरआर, बताओ बेटा। मैंने सीआरआर में ट्रांसफर कराकर क्या हासिल कर लिया? द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट, इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। तो कंपनीज एक्ट एक्चुअली में यही बता रहा है कि अलग अलग भिन्न भिन्न मेथड हैं, लेकिन सब में मैं एक ही काम कराऊंगा आपसे। रिडम्पशन तो आप कर दोगे, मैं इनकी बस बगावत रोकूंगा। और इनकी बगावत रुकेगी कैसे? जब कैपिटल सेम रहेगी, जब कैपिटल सेम रहेगी। तो बेटा बताओ, मैंने फ्रेश शेयर क्यों इशू किए? जिससे जो पैसा आ जाए उस पैसे से हम पेमेंट। नलायक बोल मत देना बात ये कि पैसा आ जाए पैसे के लिए किया है, पैसा बहुत है हमारे पास। नलायक मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समझो कंपनी के पास पैसा बतेरा है, पैसे की टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। और तीसरा सुनो बेटा, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हाँ बेटा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। तो क्या मतलब हुआ बेटा? बड़ा आसान है, देखो एक लाइन में खत्म हो जाएगी बात। 1 लाख की कैपिटल रिडीम की, कुछ का फ्रेश इशू निकाल दो, कुछ सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। बेटा समझ में आया? 1 लाख की कैपिटल रिडीम की, 80,000 का फ्रेश इशू, 20,000 सीआरआर में ट्रांसफर, 90,000 सीआरआर में ट्रांसफर, 10,000 का फ्रेश इशू, कुल मिलाकर कैपिटल तो सेम ही रहेगी। बोलो बेटा, बोलो ना, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। तो बेटा एक एक करके अब इन तीनों मेथड्स की हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेलिंग करेंगे। तो बेटा फटाफट से यहां तक की बात का लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। मैंने क्या बताया? मैंने कहा जी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन यानी वापस करने हैं, जो पैसे आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिए वो पैसे आपको वापस करने हैं। अब जब वापस करने हैं, जब वापस करने हैं पैसे, तो जब आपको पैसे वापस करने, बोलो ना बेटा, जब पैसे वापस करने हैं तो वो या तो पार पे होंगे या प्रीमियम पर होंगे। डिस्काउंट पर पॉसिबल हो नहीं सकता, डिस्काउंट पर रिडम्पशन हो नहीं सकता। अब जब रिडम्पशन कर दिया हमने तो एंट्री होंगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। प्रीमियम पर किया तो साथ में प्रीमियम और जोड़ देंगे और बाद में उसको राइट ऑफ करेंगे। प्रीमियम कहां से कहां कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, फिर बेटा बोलो बोलो, फिर जनरल रिजर्व से करेंगे, फिर बेटा पीएनएल से कर सकते हैं। इसकी और डिटेल में चर्चा अभी करनी वैसे बाकी है। चलो उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने कैपिटल रिडीम कर दी, कैपिटल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, कुछ लोग बागी हो गए, उनका बागी होना जायज है। अब क्या करें? मैं पहुंच गया माई बाप के पास। माई बाप कौन? हमारा कंपनीज एक्ट। मैंने कहा जी हमारे को इस दुविधा से निकालो। बोले मेथड है 3, आप एक काम करो, जितने की कैपिटल आपने रिडीम की उतने का ही फ्रेश इशू और निकाल दो, कैपिटल सेम हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ना होगी। या जितने की कैपिटल आपने रिडीम की उतना ही अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। ये सीआरआर कैपिटल तो नहीं होता, कैपिटल जैसा ही होता है, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही काम हो सकता है, बोनस शेयर्स इशू यानी इक्विटी कैपिटल ही बढ़ जाएगी। यानी कि दोबारा से जो कैपिटल कम हुई थी रिडम्पशन के वजह से वो वापस वहीं आ जाएगी। ये एक तीसरा मेथड है, कुछ फ्रेश इशू और कुछ ट्रांसफर टू सीआरआर। बट आई होप यहां तक की चर्चा
आपके जहन में अच्छे से बैठ गई होगी, कोई लिखने की आवश्यकता ऐसा और नहीं है। सब कुछ मैं आपको नोटिंग भी कराऊंगा और उसके ऊपर बेस्ड हम अपने कोर्स के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें एटलीस्ट मैंने आपके दिमाग में ये तो सेट कर दिया कि इस चैप्टर में क्या है, बस यही है, एक भी चीज इसके अलावा कुछ और नहीं है, बस यही है पूरे चैप्टर में, जिसको हम ग्रेजुअली एक एक करके कमांड बनाते जाएंगे। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन भी करेंगे और एग्जाम के क्वेश्चंस भी साथ में कवर कर लेंगे, जिससे हमारा बिल्कुल बढ़िया से कमांड इस टॉपिक के ऊपर बन जाएगा। आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद भाई, थैंक यू, ध्यान रखें अपना, थैंक यू, बाय बाय।